दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक पार्ट वन में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें से एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 2 के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.4, 1.5 पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, देखो हमारे पास 1.3 में से फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंकेट्स, सॉरी ब्लैंकेट्स नहीं, ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर से ये फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं कभी भी, तो 3 × 5 करने का रहता है और 4 × 2। अभी 3 × 5 सबसे पहले लिखते हैं हम, तो उसमें से 3 तो आया, तो कौन रह गया, 5 रह गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 को जो है वो यहाँ लिखेंगे 3 × 5, और माइनस 2 × 4 रहता है, 2 × 4 में से 4 तो आया, तो क्या बचा, 2 बचा, तो 2 को हम क्या करेंगे, फिलहाल तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू 3 × 5 = 15 आ गया यहाँ, 3 × 5 = 15 तो यहाँ लिखेंगे, और माइनस 8 रह गए, ये 4 × 2 माइनस 8 आया है, 15 में से 8 गए तो कितने रह गए, 7 रह गए। तो हमारा जो ये आंसर है, एकदम आसान क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व किया। अभी उसके बाद देखिए, ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एकदम आसान है। क्या करना रहता है, यहाँ ओनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना रहता है और बीच में माइनस देना पड़ता है। सो माइनस 1 × 4 माइनस 7 × 2, पहले −1 × 4 करेंगे, −1 × 4 किया एक ब्रैकेट में, और माइनस करने का ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन को, 7 × 2 को, तो 7 × 2 भी हमने यहाँ लिख दिया। तो अभी क्या होगा, 4 × 1 = 4, माइनस साइन है बोले तो −4, और ये माइनस साइन, 7 × 2 = 14 आ गया। ओके, यहाँ लिखा 14। तो अभी माइनस माइनस प्लस होता है, 14 + 4 = 18 हो गया, ये बड़े नंबर का साइन, माइनस का साइन। ओके, तो ये आ गया −18। तो इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 − 7 = 30। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 × 0 करने का, सर सबसे पहले करेंगे 5 × 0, और उसमें से माइनस करना है −7 × 3 को। ओके, सो 5 × 0 = 0, माइनस माइनस प्लस रहता है, 7 × 3 = 21, 0 + 21 कितना होता है, 21 होता है। तो ये आया हमारा आंसर, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखें, ये थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है, 7/3 और 2/3/2, 5/3 है और 1/2 है। तो यहाँ करें, क्या करेंगे, 7/3 × 1/2। ओके, 7/3 × 1/2 हमने किया लिखा, और माइनस करने का 3/2 × 5/3, तो 3/2 × 5/3। ओके, अभी उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, −3/5 = 15 और 3 × 2 = 6। अभी यहाँ देखिए, 6 लिखा नीचे, 7 − 15, 7 में से 15 गए, कितने रह गए, 7 − 15 −8 रहते। ओके, −8 रह गए, और ये डिवाइडेड बाय 6। अभी 8 और 6 को हम किससे, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 4 = 8 और डिवाइडेड बाय 2 × 3 = 6। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये सब आंसर, −4/3, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि हमें क्या करना है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रेमर का रूल। क्रेमर के रूल से हमें वो इक्वेशन सॉल्व करना है। उसमें से पहला इक्वेशन हमें दिया है 3x − 4y = 10, इस इक्वेशन को हम 1 कहेंगे, और दूसरा 4x + 3y = 5 जो है इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर कहेंगे 2। ओके, ये दो इक्वेशन क्या है अभी फिलहाल तो हमारे पास है, इक्वेशन 1 और 2, ये दोनों को सॉल्व करना है। लेकिन मेथड कौन से यूज करनी है, क्रेमर रूल की मेथड। तो क्रेमर के रूल के मेथड के लिए आपको दो बातें, एक छोटा सा मैं रूल बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। देखिए, डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, डी एक्स की, और उसके बाद डी वाई की, तीन वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ एक नंबर 12, 32, 13, ये नंबर ध्यान में रखने का। डी निकालने के लिए 1, 2 लेने का, डी एक्स निकालने के लिए 3, 2, और डी वाई निकालने के लिए 1, 3 लेने का। ओके, इसका मतलब क्या, डी निकालने के लिए मुझे क्या लेना है, 1, 2 बोले तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट
ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम है, इसे हम अगर कंसिडर करते हैं तो डी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 12 बोले तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट में क्या है 3 4 है, फर्स्ट में है 3 4, तो 3 4 को लिखा मैं। उसके बाद सेकंड चाहिए, सेकंड में क्या माइनस 4 और 3 है, तो यहाँ लिखूंगा माइनस 4 और 3 लिखूंगा। ओके इस तरह से ये हो गया। अभी इसका वैल्यू कैसा निकालना हमें मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 9, 3 3 और माइनस माइनस 4 4। ओके 3 3 9 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके 4 4 16, 9 16 कितना हो गया 25। तो ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। उसके बाद डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी एक्स के लिए क्या करने का 3 2 लेने का, तो पहले 3 लेने का बाद में 2 लेने का। सो पहला 3 क्या है 10 5 है, उसके बाद 2 क्या है माइनस 4 और 3 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4 3 लिखेंगे। ओके अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 3 और माइनस माइनस 4 5। ओके अभी 10 3 30, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20 हो गया, 20 + 30 कितना हो गया 50 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 50। एकदम आसान तरीके से हम निकल सकते हैं। उसके बाद डी वाई की वैल्यू, डी हो गया डी एक्स हो गया, अभी डी वाई की वैल्यू निकालनी है। सो डी वाई की वैल्यू निकालने के लिए 1 3, तो 1 बोले तो 3 4 आता है और 3 बोले तो 10 5 आता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 4 और 10 5 हमने लिखा। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 5 15, ओके ऐसा होता है 3 5 और माइनस 4 10 होता है। ओके सो 3 5 15 और 4 10 40, अभी 15 में से 40 तो माइनस नहीं हो गए, तो हम क्या करेंगे 40 में से 15 को माइनस किया रहता है 25, और बड़ा नंबर 40 से आगे माइनस है तो बोले तो इधर हो गया -25। तो इस तरह से हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो क्या आई 25 आई। ओके उसके बाद डी एक्स जो था, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 50 आई, और उसके बाद डी वाई जो था उसकी वैल्यू आई -25। अभी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल। ओके क्रेमर्स जो रूल है हमारे पास, क्रेमर्स रूल या फिर क्रेमर्स मेथड, उसके अनुसार हमें एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी। ओके और वाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला रहता है डी वाई अपॉन डी। ओके सो डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स की वैल्यू कितनी है 50, अपॉन डी की कितनी है 25। सो 25 2 50 हो गई एक्स की वैल्यू 2। उसके बाद वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, अभी डी वाई की वैल्यू है -25 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 25। सो 25 1 25, यहाँ माइनस 1 बोले तो माइनस 1 आ गया, माइनस साइन में बोले तो माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारे पास एक्स और वाई इनकी वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की -1 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन जो है क्रेमर्स के रूल से हम इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके इसके बाद हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन एक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 4x + 3y - 4 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है, बट यहाँ -4 को हम क्या करेंगे वो बाजू में लेके जाएंगे, इसे हम एक जनरल टर्म में लिखेंगे x + y = कोई भी नंबर इस टर्म में। तो 4x + 3y = -4 है, उस बाजू में गया +4, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद क्या है 6x, और एक इक्वेशन है 6x = 8 - 5y। ओके इसको भी हम सीधा लिखेंगे, पहले x लिखेंगे तो 6x तो अपने जगह पे लिखा। उसके बाद क्या y चाहिए, तो y जो है वो दूसरे बाजू में -5y, ये बाजू में आया +5y हो गया, और = ये 8, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 आया, अभी d, dx और dy, अभी हमें मालूम है d निकालने के लिए क्या लेंगे हम 1 2 लेंगे। ओके 1 2, देखिए d निकालने के लिए 1 2, dx निकालने के लिए 3 2 और dy निकालने के लिए 32। ओके तो d निकालने के लिए 1 2 लेने का, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है 4 और 6 है। ओके 4 6 लिखा, और सेकंड कॉलम में क्या है 3 5 है, तो लिखा 3 और 5 लिखा। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 5 -6 × 3 4 5 20। ओके -6 3 80, 20 - 18 कितना हो गया 2 हो गया, 20 में से 18 गया 2 हो गया, तो हमारे पास d की वैल्यू आई 2। अभी dx निकालना है, dx निकालेंगे। ओके dx क्या 32 बोले तो 3 2, 3 में क्या है 4 8 है, थर्ड कॉलम में है 4 8 और सेकंड कॉलम में 3 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 5। अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 5 करेंगे और -8 × 3 करेंगे, 8 × 3 4 5 20 और 8 3 24। अभी 20 - 24, 20 - 24 कितना आता है -4 आता है आंसर। सो डी एक्स की वैल्यू आ गई -4।
अभी डी वाई की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई इज इक्वल टू कितना चाहिए, 3 2, डी वाई बोले तो 3 2 रहता है। ओके, 3 में क्या है, 4 8 है, और 2 में क्या है, 2 में क्या है, 3 5 है। ओके नहीं, डी वाई की निकालने के लिए 1 3 लेना चाहिए, ओके 1 3। ओके, डी निकालने के लिए 12, डी एक्स निकालने के लिए 32, और डी वाई निकालने के लिए 1 3 रहता है। ओके, तो 1 और 3, 1 में क्या है, 4 6 है, और 3 में क्या है, 4 8 है, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 8 माइनस 4 × 6। ओके, 4 × 6, अभी 8 4 32 और 6 4 कितना आता है, 24 आता है। अभी 32 में से 24 गए, कितने रह गए, 8 रह गए। ओके, तो हमारे पास डी वाई की जो वैल्यू है वो 8 आ गए। तो अभी डी इज इक्वल टू फिलहाल तो 2 है, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 है, और डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 8 है। अभी x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल मेथड, x इज इक्वल टू, x का वैल्यू निकालने के लिए डी एक्स अपॉन डी इस्तेमाल करेंगे, डी एक्स क्या है, माइनस 4, और अपॉन डी कितना है, 2, 2 2 4, माइनस साइन है इसलिए माइनस 2। ओके, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या, डी वाई अपॉन डी, डी वाई की वैल्यू है 8, अपॉन डी की जो वैल्यू है हमारे पास 2 है, 8 अपॉन 2, 2 4 8। तो इस तरह से x इज इक्वल टू निगेटिव 2 और y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ओके, तो अभी अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू, टोटल ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर थर्ड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। ओके, अभी 2 तो हमने सॉल्व किए हैं, अभी हमारा चालू है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दिया है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल, d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2, d निकालने के लिए क्या रहते हैं, लेते हैं हम 1 2, ये देखा है हमने पिछले एग्जांपल में, d निकालने के लिए 1 2, dx निकालने के लिए 3 2, और dy निकालने के लिए 1 3। तो 1 2 बोले तो यहाँ 1 और ये 2, 1 2 आ गया फर्स्ट कॉलम में, 1 2, और सेकंड में 2 3 है, 2 और माइनस 3 है। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 × -3, ठीक है, -3 × 1 लिखा, और -2 × 2, -3 × 1 कितना हो गया, -3, और ये माइनस साइन, 2 2 4। ओके, -3 - 4 -7 हो गया, तो डी एक्स, डी की वैल्यू -7, डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 3 2 बोले तो 3 में क्या है, 1 12 है, -1 और 12 है, 2 में क्या है, 3 और -2 है, 2 और -3 है। ओके, 2 - 3, अभी यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 × -3, ओके, और माइनस, ओके, -1 × -3, और माइनस क्या, 2 × 12, 3 1 3, ओके, और माइनस 12 2 24। ओके, अभी 3 - 24, 3 में से 24 नहीं जाते, मगर 24 में से 3 गए, कितना रह गया, 21, बड़ा नंबर 24, तो उसके पहले का साइन माइनस, तो ये आ गया डी एक्स की वैल्यू -21। और डी वाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, 1 3, 1 में क्या है, एक्स के बाजू में कोई नहीं बोले तो 1, और ये 2, और 2 में 3 में क्या है, -1 और 12, -1 1 1 और 12 लिखेंगे। अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 × 12 -1 × 2। ओके, अभी 1 × 12 कितना होता है, 12, -, अभी 2 × 1 2, 12 + 2 14। तो इस तरह से हमारे पास d इज इक्वल टू -7 आता है। ओके, उसके बाद डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आता है -21 आता है, और डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास 14 आता है। अभी x और y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ लिख सकते हैं क्रेमर्स रूल के मेथड से, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ओके, डी एक्स कितना है, -21, अपॉन डी कितना है, -7, 7 3 = 21। ओके, dy, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो dy की वैल्यू कितनी है, 14, अपॉन डी की 7। ओके, 7 2 = 14। ओके, तो इस तरह से x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, यह हमारा आंसर आ सकता है। ओके,
तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन जो है वो देखे है इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन में से। बाकी जो थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह से हमें सॉल्व करना है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होगा उसके अंदर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके आंसर हम आप तक पहुँचाने का जरूर प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 में से कुछ सम। ओके, थैंक यू।